दोस्तों इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस साइकिल 5 भर्ती 2023 40,889 पोस्ट। इस भर्ती के बारे में आज मैं आपके लिए एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो कहीं ना कहीं आप भी सोचने पर निर्भर हो जाओगे, आखिर क्या हो रहा है इस देश के अंदर। इतनी बड़ी वैकेंसी है 40,000 एप्रोक्स पदों पर, लाखों अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया, अपनी किस्मत आजमाई, क्योंकि इसमें कोई एग्जाम्स नहीं, कोई फिजिकल नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, केवल फॉर्म अप्लाई करने के बाद सीधा मेरिट आ जाती है और सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन इस बड़ी वैकेंसी में कहीं ना कहीं हमें खेल नजर आ रहा है, भ्रष्टाचार की बदबू नजर आ रही है। आइए दोस्तों मैं थोड़ा गहराई में ले जाकर इस बोर्ड के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं क्या कुछ हो रहा है। ये मेरे मन से मैं सारी जानकारी नहीं दूंगा, जो भी बच्चे बार बार मेरे से संपर्क कर रहे हैं उनका ये कहना है, क्या कहना है बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अभी से क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि एकमात्र अभी से क्लासेस ही ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपकी आवाज को, आपके दर्द को हमेशा समझता है। देखिए दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस साइकिल 5 भर्ती 2023 की बात कर रहा हूं। सेकंड लिस्ट की सबसे पहले मैं बात करूं तो दोस्तों सेकंड लिस्ट में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, अंतिम तिथि 24 मई है। ठीक है, 24 मई तक ये सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब ये दूसरी लिस्ट आई इसमें 24,000 के अप्रोक्स स्टूडेंट्स का नाम आया, लेकिन 24,000 में से ढेरों सारे अभ्यर्थी फेक थे, फर्जी थे, जिन्होंने अपनी झूठी परसेंटेज डाल करके लिस्ट में नाम तो लिखवा लिया लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गए। दूसरी लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो मात्र 4,000 से 5,000 कैंडिडेट ही सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक टिके हैं और टिकेंगे, यही सच्चाई है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं दोस्तों आपका, आप ये बोलोगे सर 4,000 से 5,000 सीटें कैसे भरी, यहां तो 24,000 में से क्या है, समझ के चलिए तब समझ में आएगा। सेकंड लिस्ट के बाद थर्ड लिस्ट आपकी आई और थर्ड लिस्ट का फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, 22 मई इसकी अंतिम तिथि है। ठीक है, थर्ड लिस्ट में 15,000 कैंडिडेट्स आ गए। अब आप बताइए कि यहां 24,000 सीटें भर जाती तो फिर 15,000 क्यों आते, यही है ना सच, मैंने अभी बताया ना फेक अभ्यर्थी थे। तो थर्ड लिस्ट में 15,000 कैंडिडेट्स का नाम आया, लेकिन थर्ड लिस्ट की अगर बात करूं तो 8,000 से 9,000 कैंडिडेट्स ही सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संपन्न करवाएंगे, इनमें से बहुत सारे अभ्यर्थी फेक है, रिजेक्ट हो जाएंगे, ये एक सच्चाई है दोस्तों। लेकिन जब आप धीरे धीरे सुनते चलोगे मेरी बात को, खुद आप सोचोगे आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, क्या हो रहा है आखिर इस भर्ती में। दोस्तों जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जीडीएस का साइकिल 5 का, इसमें मात्र कुछ ही डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ रही है, ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है, आप डीवी करवाकर आ गए होंगे। तो एक तो आपकी 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, पीएच सर्टिफिकेट और मेडिकल प्रमाण पत्र, यही डॉक्यूमेंट चाहिए ना, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ रही, ये ऑफिशियली जानकारी इन्होंने दे रखी है, पहले से ही बता रखा है जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया। और जो भी अभ्यर्थी सिलेक्टेड हो चुका है उसके पास ईमेल भी आ रहा है, उसमें भी बताया गया है कि ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर आने हैं। सब दुनिया को पता है कि जीडीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, बच्चे इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को लेकर घर से डीवी करवाने जा चुके हैं, वहां बच्चे जाकर मेरे से संपर्क कर रहे थे, सर इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा अन्य डॉक्यूमेंट्स की मांग कर रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं कि और अदर डॉक्यूमेंट्स लाइए। अदर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, स्टाम्प पेपर लाइए, एक नहीं 2, 4, 5 स्टाम्प पेपर लाइए, ये लाइए वो लाइए, मतलब कहने का मतलब यह है कि स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है, बच्चों के साथ धोखेबाजी की जा रही है, जब पहले से ही ऑफिशियल बता चुके हैं कि यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए डीबी में, तो फिर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता कहां पड़ गई। इससे बहुत कुछ मालूम चलता है कि बच्चों से अन्य डॉक्यूमेंट्स की मांग क्यों की जा रही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी हमने पड़ताल की और अनुभव कहता है कि कहीं ना कहीं दोस्तों खेला हो रहा है, खेल खेला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अन्य डॉक्यूमेंट्स की मांग करेंगे तभी तो बच्चे रिजेक्ट होंगे, तभी तो सीटें खाली होंगी,
तो दोस्तों ध्यान देना, आपकी वैकेंसी 40,889 है साइकिल 5 की। अभी तक फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन लिस्ट आई है ना, और तीनों लिस्ट की बात करूं तो 20 से और 25,000 सीटें भरी है मात्र। ये सच है, 40,000 में से 20 से 25,000 ही सीटें भरी है। ये बिल्कुल आप कहोगे कैसे मालूम, ये आप खुद समझदार हो, नहीं समझ रहे तो थोड़ा विश्वास कीजिए, इतनी ही सीटें भरी है। क्योंकि ये लिस्टें तो आ जाती है इतनी बड़ी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब फैक अभ्यर्थी होते हैं, डीवी के लिए नहीं पहुंचते। मात्र अब बात करूं दोस्तों तो 15,000 सीटें रिक्त है। सच है ये, 15,000 सीटें रिक्त है, पर कैसे भरपाई होंगी? 30 जून लास्ट प्रोसेस है, 30 जून के बाद तो कोई लिस्ट आनी ही नहीं है। तो फिर हम संभावना जता रहे हैं कि चौथी लिस्ट ये देने वाले हैं, और चौथी लिस्ट में मात्र 8 से और 10 हजार स्टूडेंट्स का नाम आएगा। 15,000 में से 8 से 10 हजार सीट भर गई, फिर भी 5 से और 7 हजार सीटें रिक्त रह जाएंगी चौथी लिस्ट के बाद, और चौथी लिस्ट के बाद कोई लिस्ट आने की संभावना मुझे नहीं लग रही, क्योंकि 30 जून से पहले इस भर्ती की सारी प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाएगा। यही खेल है दोस्तों कि हर साल डीडीएस की वैकेंसी आती है, बताने को तो बता दिया कि 40,889 है, लेकिन इनमें से 5 से और 8 हजार सीटें हर साल रह जाती है। नेक्स्ट जब वैकेंसी आएगी साइकिल 6 की, उसमें दे दी जाती है। यही घोटाला है, यही सरासर बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ धोखेबाजी है। ये बताएंगे कि 40,889 सीट भर गई है, लेकिन ऐसा कतई नहीं, और अगर है तो प्रूफ के साथ हम बता सकते हैं। कहीं ना कहीं आप भी इस चीज पर गौर करना, आवाज उठाइए। अगर आवाज आप लोगों ने नहीं उठाई, ऐसे होता रहा, कभी मत सोचना कि जीडीएस की नौकरी मिल जाए। आपकी 70% है, 80% है, बिल्कुल नाम नहीं आने वाला, क्योंकि हर साल यही होता है। ठीक है, बच्चे परेशान किए जा रहे हैं। मैं एक और बात बताऊंगा, एसएस महादेवी अध्यक्ष जी है, उनको भी तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ आना चाहिए। यूट्यूब चैनल बना रखा है उन्होंने, वो भी जानकारी दे रहे हैं, व्यूज ले रहे हैं, बच्चों से जो है कहीं ना कहीं संपर्क में है। तो मैं एसएस महादेविया जी जो अध्यक्ष है ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक के, तो इस चीज पर गौर करना चाहिए उनको भी, और बच्चों के साथ आना चाहिए कि क्या 40,889 सीट भर गई है, क्या बच्चों को इस तरीके से परेशान किया जाना अच्छी बात है। आइए आवाज उठाइए, हमारी आवाज को हम आगे कहीं ना कहीं ऊंचे स्तर पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो 71% वाले स्टूडेंट्स का जीडीएस में सिलेक्शन हो जाएगा, ये श्योर है। आ रही है वैकेंसी, फिर से इतने ही पद रहेंगे। अगर नौकरी चाहिए तो इस तरीके से लिस्टों का वेट करने से कोई फायदा नहीं है। जब तक इस खेल को आप नहीं समझोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसलिए इस खेल को समझो, और आइए अभी से क्लासेस का साथ दीजिए। क्या हो रहा है ये, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा डीबी के समय, आपने क्या कुछ अनुभव सीखा, इस भर्ती के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई अवश्य कीजिएगा। बने रहिए अभी से क्लासेस के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।